दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया था कि एयरक्राफ्ट में जो एयरक्राफ्ट के लिए जो वार्निंग लाइट होती है वो क्या होती है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो इसलिए इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। यह बहुत ही नॉलेजेबल प्रश्न है, तो आइए देखते हैं कि एयरक्राफ्ट वार्निंग लाइट क्या होती है। और दोस्तों, एक दूसरा मेरा चैनल है जिस पर मैं और अच्छी अच्छी नॉलेज शेयर करता हूँ, क्योंकि सारी की सारी नॉलेज मैं इस चैनल पर नहीं शेयर कर सकता, नहीं बता सकता, क्योंकि इस पर मैं केवल और केवल इलेक्ट्रिकल के बारे में बताता हूँ। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, उस चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए क्या है कि जो एयरक्राफ्ट में जो वार्निंग लाइट होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, कुछ इस तरह से होती है। जैसे जो हमारी बिल्डिंगें होती हैं, घर मतलब ऊंचे ऊंचे टावर होते हैं, मतलब टावर है, ठीक है, बिल्डिंग है, जो ऊंची जो बिल्डिंगें होती हैं, मतलब बहुमंजिला इमारतें होती हैं, उसके ऊपर एक रेड कलर की एक लाइट लगा दी जाती है, रेड कलर की। तो उसका क्या प्रयोजन है, हम इस वीडियो में इसी चीज को समझेंगे। यह जो लाइट लगी हुई होती है किसी भी बहुमंजिला इमारत पे या टावर पे, उस पर उसकी जो मतलब उतनी ऊंचाई पर लगाना ही लगाना है। वह ऊंचाई होती है 45 मीटर। 45 मीटर की ऊंचाई पर अगर आपकी बिल्डिंग है, 45 मीटर की ऊंचाई है, तो उस पर तो लगाना ही लगाना है, कंपलसरी है। उसके नीचे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। यह गवर्नमेंट का आदेश है कि 45 मीटर ऊंचाई पर आपको लगाना ही लगाना है। अब ये रेड कलर की लाइट क्यों लगाते हैं हम? देखिए होता क्या है कि जैसे हमारी बाइक है, कार है, या कोई भी जो चीज है, मतलब जो चल रही है रोड पर, तो उसकी जो बैक लाइट होती है वह लाल कलर की ही होती है। लाल कलर की होती है। जो बिल्डिंगों के ऊपर जो लाइट लगाई जाती है उसका भी कलर लाल ही होता है। इसका कारण क्या होता है कि जैसा हमने हाई स्कूल में पढ़ा था कि जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, उसको हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, तो तरंग दैर्ध्य जो होता है वह लाल रंग का बहुत ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि जो लाल रंग की जो रोशनी होती है उसमें फैलाव बहुत कम होता है, और उसकी जो देखने की जो मतलब उसकी जो दूर तक देखने की जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हम लाल रंग का उपयोग करते हैं, लाल रंग की लाइट का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो दूर से दिखाई देती है। तो ये जो लाइट हमारी लगी हुई होती है किसी भी बिल्डिंग के ऊपर, जो लाइट हम लगाते हैं, या बेसिकली जो वायुयान होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा हेलीकॉप्टर है, या कोई भी चीज जो आसमान में उड़ रही है, उसके डायरेक्शन के लिए, उसको बताने के लिए कि यहां पर मान लीजिए जैसे कि ये हमारा एक वायुयान उड़ रहा है, ठीक है, और यहां पर वह लाइट लगी हुई है, तो यह देख लेगा, क्योंकि मान लीजिए अंधेरा है, वह देख नहीं पा रहा है, ठीक है, वो उड़ता चला जा रहा है, और मान लीजिए आगे एक बहुत बहुमंजिला इमारत है और इसके ऊपर अगर लाइट नहीं लगी हुई है तो यह इसे टकरा सकता है, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर एक लाइट लगा देंगे तो यह अपनी ऊंचाई थोड़ी सी और बढ़ा करके यहां से वो निकल जाएगा, या इसके साइड से वो निकल जाएगा, जिससे वह टकराएगा नहीं, और उसको यह आइडिया हो जाएगा कि यहां पर कोई ना कोई आबादी है, कुछ ना कुछ है, तो उसको एक रास्ता भी मिल जाएगा, डायरेक्शन भी मिल जाएगा, और एक अपनी स्टैंडर्ड ऊंचाई वो मेंटेन करके चल पाएगा। और यह हेलीकॉप्टर वगैरह को रास्ता दिखाने के भी काम में आती है कि वह सही डायरेक्शन में वो रास्ता दिखा देती है। तो एयरक्राफ्ट वार्निंग लाइट जो होती है वो एक्चुअल में एयरक्राफ्ट जैसा नाम ही है, एयरक्राफ्ट वार्निंग लाइट, मतलब वो एयरक्राफ्ट को वार्न करती है कि यह रास्ता है आपके चलने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एयरक्राफ्ट वार्निंग लाइट क्या होती है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।